आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है छूट गया है और क्वेश्चन नंबर 8 लिख गया, तो 8 को हम पहले बता दे रहे हैं, 7 इसके बाद बता देंगे। यदि 2,7, 4,8 तथा 5,9 ए क्रॉस बी के 9 अवयवों में से हैं, तो ए क्रॉस बी के शेष अवयव आपको ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 2,7, तो 2,7 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे 2 बिलोंग्स टू ए, फिर 7 बिलोंग्स टू बी लिखेंगे, 7 बिलोंग्स टू बी लिखेंगे, फिर यहाँ पर अगले वाले में लिखेंगे 4,8 को लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए और लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू बी। अगला है 5,9, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए और 9 बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो समुच्चय बन के तैयार होगा वो हो जाएगा, ए वाले एक में लिखेंगे 2,4,5 और बी के क्या हो जाएंगे, बी वाले हो जाएंगे आपके 7, 8 और 9। अब इनसे हमें निकालना है ए क्रॉस बी आपको निकालना है, तो ए क्रॉस बी आपको निकालना पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2,7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 7, फिर 2,8 हो जाएगा, फिर 2 और 9 हो जाएगा, उसके बाद 4,7, 4,8, 4,9, फिर इससे कराएंगे 5,7, 5,8 और उसके बाद 5,9, ये आपके इतने बनने हैं। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी के शेष अवयव आपको ज्ञात करना है, तो शेष अवयव को ज्ञात करने के लिए आप देखिए क्या क्या दिया था आपके पास, 2,7 था, 2,7 को छोड़ देना है, 4,8 था, 4,8 को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या था, 5,9 था, 5,9 को छोड़ दीजिए, जितने मैंने ब्लू कलर से लाइन डार्क की है उसको छोड़ करके बाकी जितने बचे हुए हैं वो इसके शेष अवयव हैं, उनको आपको नोट कर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर मैंने छोड़ दिया है उसको मैं बताने जा रहा हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये दिया है 7 नंबर, यदि ए उपसमुच्चय है बी का तो सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बात आपको समझनी है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से आप समझिए इसको। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, मान लिया, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू, अगर हम ये शो कर दें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए लिख देते हैं, ये चीज़ अगर हम लिख लेते हैं, ये चीज़ जब लिख लेंगे हम, या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेंगे आप एक्स कॉमा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी व एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और वाई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, व इसका जब करेंगे तो एक्स बिलोंग टू बी हो जाएगा और वाई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, ये जब चीज़ें हो जाएंगी तो अब लिख सकते हैं आप इसमें एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए लिख लोगे, और जैसे ए क्रॉस ए लिखेंगे आप तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह है यदि ए की वैल्यू दी है 1 2 3 1 2 3 और बी की वैल्यू दी है 2 3 4 और सी की वैल्यू दी है 1 2 3 4 और डी के अवयव दिए हैं 1 4 6 7। तो प्रूव करना है ए क्रॉस बी सबसेट है सी क्रॉस डी का, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें ए क्रॉस बी आपको करना है, तो ए क्रॉस बी आप करेंगे तो क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 हो जाएगा पहले, इसका कैसे करेंगे, फिर 1 3 1 4 अब इस 2 से कराएंगे तो 2 2 2 3 और 2 4 हो जाएगा। उसके बाद अब 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 3 और 3 4, ये हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई आया। उसके बाद सी क्रॉस डी कर देंगे, सी क्रॉस डी में देखते हैं क्या होता है, इसको इससे कराना है तो ये हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा, फिर 1 4 होगा, 1 6 1 7, फिर उसके बाद में 2 से कराएंगे तो 2 1 होगा, 2 4 होगा, 2 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर और 3 से कराना है तो फिर कराते हैं तो 3 1 3 4 3 6 3 7 3 7 हो गया। अब उसके बाद 4 का कराएंगे तो 4 1 4 4 4 6 और 4 7, ये आपके हो जाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने कहा है कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट जो हैं सी क्रॉस डी के अवयव समुच्चय होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं, मैच कर लीजिए, 1 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 1 3 1 4 ये सब दिए गए हैं, फिर 2 2 दिया है, 2 3 दिया है, 2 4 है, 3 2। तो आप देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट जो हैं, इसके जो एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के, वो सी क्रॉस डी के भी एलिमेंट मतलब कि हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ प्रूव हो गई है, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम छोड़ दे रहे हैं, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है ए बराबर दिया है 1, 2, ये आपके अवयव हैं, फिर बी का समुच्चय दिया है ए बी, सी का समुच्चय है 1 और a। तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, कैसे करते हैं। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, बी माइनस सी को निकालेंगे, बी माइनस सी को निकाल लिया, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो उसको आपको लिख लेना है, तो ए मिल रहा है लेकिन बी नहीं मिला, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी माइनस सी ले लेंगे, ए क्रॉस बी माइनस सी, बी माइनस सी आपका बी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1b और 2b हो जाएगा। फिर अगला लेते हैं, ए क्रॉस बी आपको करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे इसको इसको, तो कितना हो जाएगा, 1a और 1b, 2a और 2b, ये हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम करेंगे ए क्रॉस सी कर लेते हैं, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में क्या होगा, वन वन होगा, वन ए होगा, टू वन होगा और टू ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट जो ए क्रॉस सी में ना हो, तो आपका वन ए है, उसके बाद में टू ए है, ये दोनों नहीं, इसको लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, वन बी और टू बी, ये दोनों दिए गए हैं। अब क्या करना है, इसको इक्वल करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से वन बी और टू बी था और यहाँ पर भी वन बी और टू बी है, यानी कि आपका प्रूव हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये चीज़ आपको दी हुई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मानना है, मान लेंगे आप कि x गुड़े x इक्वल टू दिया है आपको, x क्रॉस x बराबर आपको दिया है, देख सकते हैं आप इसको, x बिलोंग्स टू a क्रॉस, सॉरी ये लिख लेंगे आप, ये वाला ये हो गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a भी लिख सकते हैं इसको और x बिलोंग टू b भी लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में अगर हम चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b भी लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पर a लिखेंगे और a और b की जगह पर हम एक दूसरे को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a स्क्वायर आपका हो जाएगा, a स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर आपका प्रूव हो गया, ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसको, a क्रॉस a इंटरसेक्शन b क्रॉस b x इंटू एक्स इक्वल टू, ये आपका प्रूव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, a इक्वल टू दिया है 1 2, b इक्वल टू दिया है 2 और 3, c इक्वल टू दिया है 3 और 7, देन प्रूव दैट x क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये चीज़ आपको इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a क्रॉस b को निकालेंगे, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b को जब गुणा करेंगे आपके हाथ का हो जाएगा 1 और 2 होगा, फिर यहाँ पर देखिए 1 और 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 2 और 2 3 हो जाएगा, फिर आपका निकालना है एक राशि, एक राशि देखिए कैसे होगा, तो एक राशि में 1 3 हो जाएगा, 1 7 और 2 3 और 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनियन आपको निकालना है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका एक क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 लिखेंगे आप, 1 2, 1 3 दोनों का मिल रहा है, उसके बाद 2 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो 1 3 हो गया, ये 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 7 हो जाएगा और 2 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने 2.1 को कम्प्लीट कर दिया है।